बार बार पूछते हैं कि सर रात को स्टडी करनी चाहिए या दिन में, आउटपुट कब ज्यादा निकलेगी। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे की तरफ देखकर कि अगर वो रात को पढ़ रहा है और काफी अच्छा स्कोर कर रहा है तो शायद उसका जो अच्छा स्कोर का रीजन है वो रात को स्टडी करना है और मैं भी आगे से रात को ही पढ़ा करूंगा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप पढ़ने लगोगे सबसे पहले तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने इतना काम जो है वो खत्म करना है, ना कि आपके पास टारगेट है वो टाइम का होना चाहिए कि हम मैंने 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे में आउटपुट चाहे आपकी 0 निकले। मींस आपने सबसे पहले अपना काम का टारगेट सेट करना है कि आज मैंने यहां से लेकर यहां तक इतने क्वेश्चंस या फिर इतने पेज मैंने खत्म करने हैं और अच्छी तरह से समझने हैं। अब बात आई अच्छी तरह से समझने हैं। अब समझने के लिए क्या चाहिए कि एक शांति में बैठकर हमारा पूरा ध्यान स्टडी में होना चाहिए। अब आप ये देखें कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो ऐसा टाइम कि आप आराम से बैठकर बिना किसी डिस्टरबेंस से पूरा ध्यान सब्जेक्ट्स में लगाकर दिन में पढ़ सकते हो या रात में। अगर तो आपको लगता है कि आप दिन में प्रॉपरली इतना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और आपको कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं है कि बीच में बार बार उठना पड़ता है या फिर हम कह लें कि और डिस्टरबेंस है, तो बेटर है आप डे में स्टडी कीजिए, अपने दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि डे में आप कहीं और बिजी हो या फिर आपका ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा, डिस्टरबेंस बहुत है, तो आप बेटर है रात को स्टडी कर सकते हैं। हाँ, शुरू शुरू में आपको रात को बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो इंसान रात को बैठकर पढ़ रहा है इसलिए उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या वो सुबह जल्दी उठता है इसलिए उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी कंडीशन है, सिचुएशन है, हर किसी के पास जो टाइम अवेलेबल है, कोई टाइम बेस्ट अवेलेबल है किसी के पास दिन का और किसी के पास रात का, इसलिए ये चीज आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। इसलिए किसी की तरफ देखकर ये चीज कभी मत डिसाइड करना कि मैं भी अब सुबह जल्दी उठा करूंगा पढ़ने के लिए या फिर मैं रात को ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ूंगा, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से सबको जैसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये चीज तो सबको अपने अपने हिसाब से देखनी है कि कब उनके पास जो एक शांति वाला टाइम अवेलेबल है जिसमें बैठकर उन्होंने स्टडी करनी है। तो चलिए मेरे ख्याल से अब इस बात को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक या अच्छे अच्छे सवालों को लेकर मिलूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।